like a Hellcat. सो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और न्यू ब्लॉग लेके। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि दिल्ली कैपिटल ये फाइनल खेलेगी और फाइनल जीतेगी भी। तो आज का जो मैच है वो फाइनल मैच है और ज़बरदस्त मैच होने वाला है। दिल्ली कैपिटल 3 में से 3 मैच मुंबई इंडियंस से हार चुके हैं सीज़न। दिल्ली कैपिटल इस सीज़न 3 मैच इनसे हार गई है। तो देखते हैं गाइस क्या होता है आज के मैच में और प्रेडिक्शन करेंगे मैच के सबसे इस वीडियो के सबसे एंड में कि कौन आज का मैच जीतने वाला है। तो हम पहले बात कर लेते हैं आज का जो मैच है वो किस टीम के बीच में होने वाला है, दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस 8 बार फाइनल खेल चुकी है, 8 में से 5 बार तो ये जीत गई है और अब की बार ये 9वां खेलेंगे और इसमें भी जीतने का पूरा दमखम कर देंगे। बात कर लेते हैं वेन्यू की, ये मैच हो कहाँ पर रहा है। ये हो रहा है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में और 6:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। और जो उसके अंपायर होंगे वो क्रिस होगा और दूसरा अंपायर होगा नितिन होंगे। तो ये रही वेन्यू की और अंपायरिंग की बात। अब बात करते हैं हम टीम की, एक कौन सी टीम आज उतरने वाली है, कैसे बैट्समैन आने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल की, जो मेरी फेवरेट टीम है, और शिखर धवन, मार्कस स्टोइनिस, अजिंक्य रहाणे, श्री शैया, ऋषभ पंत, सिमरन हिटमायर, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, कबीर सरबाड़ा, नतीजे या तो दुबे खेलेगा या हर्षल पटेल खेलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि हर्षल पटेल को ना खिलाएं, दुबे को ही खिलाएं, क्योंकि जो दुबई की जो पिच है आजकल ये बहुत ज़्यादा स्पिनर विकेट हो चुके हैं। और बात कर लेते हैं अब दूसरी टीम की, जो मुंबई इंडियंस है, रोहित शर्मा, कॉन्थन टिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, गैरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, कुल्टर नाइल, राहुल जहर। ट्रेंट बोल्ट वापस आ चुका है पर देखते हैं ये फिट होता है नहीं फिट होता। ट्रेंट बोल्ट हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गया। तो ये रही दोनों की टीम 11। और पिच रिपोर्ट की बात करें, ये पिच कैसी रहेगी, तो ये पिच ज़्यादा ना ये घूमेगी पिच। और स्टार्टिंग में जो ओपनिंग करेगी टीम वो उसकी पिच के लिए अच्छी है। और जो उसका टारगेट है, टारगेट तो वही है 160 में बनाओ और जीत जाओ मैच। तो होपफुली टॉस का भी आज बहुत ज़्यादा सिस्टम रहेगा कि कौन टॉस जीतेगा और कौन क्या करेगा। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर लेते हैं हम। तो मुंबई की स्ट्रेंथ की बात करें ओपनिंग की तो फॉर्म में भी है, और दिल्ली कैपिटल की बात करें जब से स्टोइनिस आए हैं तो वो भी फॉर्म में है। तो दोनों की टीम एक जैसी है ओपनिंग। और मिडल ऑर्डर की बात करें तो मिडल ऑर्डर मुंबई इंडियंस का ज़्यादा चल रहा है, दिल्ली का कम चल रहा है। तो ये बाजी उसने मार ली। और बात करें ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर तो यार दोनों के ही पास अच्छे हैं, यहाँ पे स्टोइनिस है, वहाँ पे दो हैं, पर ठीक है चलो फिर भी। और पेस बॉलिंग की बात करें दोनों की पेस बॉलिंग अच्छी, स्पिन की बात करें तो एक कदम थोड़ा दिल्ली कैपिटल स्पिन में आगे है। तो ये रही यार इसकी दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस। और अब देखते हैं शाम को 7:30 बजे मैच है। और ये आईपीएल में मैंने आपको सारी टीमें बताई हैं कि कौन कौन सी टीम जीतेगी और वही टीम जीती है हमेशा। हाँ भाई ये हुआ है कि इक्का दुक्का मैच में वो टीम नहीं जीत पाई, क्योंकि यार देखो ये आईपीएल है, ये खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो भाई मैच फिक्स भी होते हैं और बीच में 7-8 मैच के बाद, तो मैच एक टीम के जब 7-8 मैच हो गए उसके बाद तो बस फिक्सिंग चली है भाई बहुत गंदी वाली। कोई सी भी टीम कभी भी जीत रही थी, कहीं भी जीत रही थी। तो ये है तो गाइस ऐसे यार मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि अभी आईपीएल स्टार्ट हुआ है और
जब मैं स्टार्ट हुआ था तो मैं आपके साथ था, अब स्टार्ट अब ख़त्म हुआ है तो मैं आपके साथ ही हूँ। और आपको मैंने इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट करवाया है। और एक आपको अपडेट दे दूँ आईपीएल की 2021 की जो होने वाला है, हो सकता है कि आपकी और मेगा सीज़न ये करवाएं मिड तो, क्योंकि लेटर बहुत सारी टीमों ने बीसीसीआई को लिखा है कि हमें अभी और मेगा ऑक्शन चाहिए। पर यार मेगा ऑक्शन हो जाएगा तो फिर ये दिल्ली के जितने सारे प्लेयर हैं ये सब इधर से उधर चले जाएंगे। इतने सालों में दिल्ली ने इतनी मुश्किल से प्लेयर अपने इकट्ठा करें तो वो चले जाएंगे। तो मेगा ऑक्शन का ये रूल है कि उसमें मेगा ऑक्शन की चलो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और आज के जो मैच की प्रेडिक्शन है, आज दिल्ली कैपिटल जीतेगी और फाइनल आराम से ले जाएगी। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।